फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीआई में जो नौ इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू यू कुछ इस तरह का आइकन दिखाई दे रहा है, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से आपको जो है तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना है iti.mponline.gov.in। तो यहाँ से टाइप करके आपको जो है तो गो पर क्लिक करना है या फिर सर्च पर। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस खुलेंगे। पहले आप इसको डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से सब कुछ दिखाई दे सही तरीके से। तो यहाँ से आपको फिर इस पर क्लिक करना है या टाइप करना है आईटीआई काउंसलिंग। यहाँ से इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की आवश्यक सूचना आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी लागू हो चुका है जनरल वालों के लिए। आपको अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने लगाया होगा तो आपको एक्स्ट्रा लाभ दिया जाएगा जनरल वालों को, और कम परसेंटेज पर ही अच्छे जो है तो इंस्टीट्यूट्स आपको अलॉटेड हो जाएंगे। तो यहाँ से ये सब कुछ जानकारियाँ बताई गई हैं कि पिछले साल का न्यूनतम कट ऑफ क्या रहा है, संस्थावार रिक्त सीटों की जानकारी क्या है, और यहाँ से आपको DST ऑनलाइन काउंसलिंग और IMC ऑनलाइन काउंसलिंग, ITI ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ से आप अगर आपने DST में काउंसलिंग करवाया है या फिर IMC में ऑनलाइन काउंसलिंग करवाया है तो आप इनमें से चेक कर सकते हैं, और अदरवाइज आपने ITI काउंसलिंग नॉर्मल ITI करवाया है तो यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप रसीद की द्वितीय प्रति ले सकते हैं, आवेदन संख्या खोल सकते हैं, पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं तथा चयन सूची प्रथम चरण की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप लिस्ट भी देख पाएंगे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया कि नहीं, और यहीं से आपको सब कुछ पता चलेगा। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है क्लिक हियर पर, और इसके बाद आपको जो होती है यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है जो कि मैं कर रहा हूँ। एप्लीकेशन नंबर एंटर करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है कुछ इस तरीके से, जैसे कि वो जो आपका आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है तो आपको ऐसे टाइप करना होगा 01/1/2000 इस तरीके से। नेक्स्ट करने के बाद आपको ना अपना पासवर्ड एंटर करना है, तो पासवर्ड अगर मालूम है आपको तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहां से आपको फिर जैसे कि मैंने बताया कि पासवर्ड पुनः प्राप्त करें उस पर टाइप करके आप सब कुछ डाटा फिलअप करके आप जो है तो वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां से कैप्चा एंटर करेंगे कितना इसका योग कितना आ रहा है, और यहां से जो है तो आपको गेट डिटेल्स पर टाइप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यू आर नॉट अलॉटेड एनी इंस्टीट्यूट। ओके, तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि करें, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट अभी तक अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, तो आप सेकंड काउंसलिंग या सेकंड राउंड में जो है तो आप उन्हें चॉइस फिल करवा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका यही अर्थ हुआ, यही मीनिंग हुआ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ITI से रिलेटेड या फिर किसी भी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड मध्य प्रदेश के स्पेशली MP वालों के लिए है। और क्या करना है आगे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है इसके लिए आपको जो है तो यहाँ से सब कुछ करने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें इस तरीके से। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें।